मैं विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। प्रताप विहार इलाके के पास दो बदमाश मोबाइल छीनकर भाग रहे थे। पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन पुलिस पर गोली चला दी गई। पुलिस ने भी जवाब फायर किया और एक बदमाश को गोली लगी। दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया लेकिन जो बदमाश पकड़ा गया है वह 25,000 रुपए का इनामी बताया जा रहा है। नाम और वह जाने माने कुख्यात गैंग सोनू डॉक्टर गैंग का शॉप शूटर है। सोनू डॉक्टर गैंग पर 1,00,000 का इनाम है। ऐसे गाजियाबाद से सुमित शर्मा की एक खास रिपोर्ट। घायल और क्या है अपराधी? देखिए, इसमें एक बदमाश घायल हुआ है और ये घटनाक्रम ये है कि ये जो डिप्टी सर है उससे एक सज्जन से उसका मोबाइल फ़ोन और चाबी छीन ली थी और बदमाश नकाब बांधे हुए थे एक मोटरसाइकिल पर। तो जब ये सूचना प्राप्त हुई उस पर स्वैट टीम हमारी और ये विजयनगर की जो टीम है उसके द्वारा पीछा किया गया और पीछा करके जहां हम खड़े यहां पर बदमाशों को घेरा गया। उनके द्वारा जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो फायरिंग की गई। काउंटर फायरिंग में बदमाश से गोली लगी और ये बदमाश शातिर बदमाश है जो योगेंद्र नाम का है और इस पर यहाँ नंदग्राम का रहने वाला है। इस पर काफ़ी सारे मुकदमे हैं जिसमें डकैती के भी हैं, लूट के भी हैं और करीब एक दर्जन मुकदमे इस पर हैं। कितने घायल हैं इस समय? देखिए, एक 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 बदमाश घायल है और एक अभी भाग गया है जिसकी कॉम्बिंग की जा रही है।